अभी हम राजस्थान में सादरी पाली जिले में हैं। हमें यहाँ कुछ गाड़ियाँ दिखी जो पुराने स्टाइल में प्रचार करते हुए थे, तो अब इस तरह से चुनाव प्रचार बहुत कम देखने को मिलता है। 90 के दशक में ये माहौल होता था, लेकिन राजस्थान में अभी बना हुआ है माहौल। चूँकि यहाँ कुछ लोग थे तो हमें लगा कि इन सबसे बात की जाए। कैसा माहौल है यहाँ चुनाव का? पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मतलब जीत निश्चित है, और एक तरफ हमारे बाली विधानसभा में भी मतलब पूर्ण बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी है, जो जन जन के लाडले है, जनता की हमेशा मतलब जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख के भागीदार है। और ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो तो बाहरी है, जो जोधपुर से आए टिकट लेके, कोई जानता ही नहीं है। जब इनकी सरकार थी यहाँ, इन्होंने 5 साल तक मतलब कभी किसी का मुँह ही नहीं देखा जनता का। अब केवल वो एक बरसाती मेंढक की तरह, वो एक बारिश होती तब मेंढक कैसे बाहर आते, तब बाहर आए जब इनकी। लेकिन अभी सरकार तो गहलोत जी की है, और लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग की ठीक ठाक चल रही है, किसानों के हित में काम कर रही है सरकार। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ कि मतलब किसानों के साथ धोखा किया, मतलब ये अपने 10 तक की गिनती गिनवा के गए थे राहुल गांधी, 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तक गिनती के, 10वें दिन तो पूरा किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। बेचारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, आपको पता ही है, बीच में और भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं, चारों तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। राजस्थान में रेप का मुद्दा बहुत ज्यादा है, निकम्मी सरकार है, रेप जैसे मुद्दे जो है बहुत राजस्थान, वो कांग्रेस सरकार के हिसाब से। सर वो अपने राजस्थान की सरकार में जो UDS मंत्री है ना, शांतिलाल धारीवाल जी, जिनको मतलब कांग्रेस ने अभी वापस टिकट दिया है, वो कहते हैं कि रेप तो होंगे ही, रेप राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, तो ये रेप होने राजस्थान के इसीलिए जाना जाएगा। उनको ऐसे बयान देते शर्म नहीं आई क्या उनको? जनता उनको पीएम भी इस पे बहुत गुस्सा व्यक्त कर चुके, बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा व्यक्त कर। पीएम ने तो महिला नारी शक्ति वंदन बिल लाके महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है राजनीति के क्षेत्र में, जो लगभग पहले कभी नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग में से ज्यादातर लोग कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आज बीजेपी के, है ना? हाँ, कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता भी है, कार्यकर्ता भी है और आम लोग भी है, आम लोग ही है, सब शामिल है जी, आम आदमी सब जड़े। ठीक है जी, हम तो ऐसा है, वैसे तो कार्यकर्ता तो बीजेपी के ही हैं, मगर यहाँ पे कुछ फंड सारडी में पड़ रहा है लोगों से। क्यों पड़ रहा है? कि सामाजिक फंड पड़ रहा है, जैसे जाट समाज है। अच्छा, ये आपका बिजनेस है क्या? ये मेरा क्या है, क्या बिजनेस है? ये अनाज का बिजनेस है मेरा, थोक का, थोक का। अच्छा, तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि एक व्यापारी के लिहाज से आपको व्यापारी के लिहाज से तो हमारे बीजेपी अच्छी है, हमें तो कोई नुकसान कभी हुआ नहीं ऐसा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जाटों का बाहुल थोड़ा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कुछ लोग यहाँ से उस तरफ खींचेंगे। अच्छा अच्छा, जातिवाद के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से, जातिवाद का है बोलबाला, मतलब बात है, है। जैसे हम माली हैं तो हमारे 75% है बहुत बीजेपी के ही है शुरू से ही, जैसे कमल का फूल है तो फूल पे ही जाएंगे, और 25% तो खैर होते ही है, वो तो जाएंगे। अरे क्राइम का क्या है, क्राइम का राजस्थान में, क्राइम को लेकर के? क्राइम तो खतरनाक है, खतरनाक, इतना खतरनाक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्राइम, उस टेलर को मारा, उसके पीछे क्या हुआ, क्या उसने कानूनी कार्रवाई की? टेलर को उदयपुर में मारा, उसके गर्दन काट, मतलब कन्हैयालाल वाला मुद्दा है, कन्हैयालाल वाला मुद्दा हम तो करते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान की सरकार जो है वो पूरी तरह से तुष्टीकरण कर रही है अपने वोट बैंक के लिए, मतलब पूरे राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पूरी तरह धराशायी कर दी उन्होंने, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का। कन्हैयालाल का मुद्दा, कन्हैयालाल का तो मुद्दा है ही है, उसके बाद भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चियों के साथ में, बच्चियों के साथ में सरेआम रेप हुआ है, उनकी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। क्या कार्रवाई हुई उनकी? जैसे कुछ समय पहले जयपुर में हुआ था। आप वोटर है ना अभी? वोटर है ना अभी, वोट देने का अधिकार है ना आपके पास? अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? आप युवा हैं आपके उस लिहाज से? जब मोदी जी का राज रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, बाकी कांग्रेस का राज नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। क्यों? कि बीजेपी सर, मोदी जी है तो आज की तारीख में बहुत अच्छा सब हो रहा है सर। हाँ। आज की तारीख में बीजेपी है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, अगर कांग्रेस आ गई तो सब फिर मीए लोगों का काम चलेगा। अच्छा अच्छा, बाकी किसी का कोई काम नहीं चलेगा। अच्छा, आप आइए, आप लोग युवा हैं, क्या माहौल है, क्या है, क्या माहौल है चुनाव का आप लोगों की नज़र में, युवाओं की नज़र में, यूथ हैं आप लोग, बदलाव चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव चाह रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, और हम तो बोलते हैं जनता ही आएगी। कौन आएगी? मैं तो जनता, मतलब जनता पार्टी, वो भी
मैं तो आज से नहीं, मैं तो पहले से भाई कई सालों से हूँ। इधर आओ, इधर आओ। जुकाम है, मैं उन्हें बोलूँ। जुकाम है। ताऊ को जुक, ताऊ कह रहे हैं कि उनको जुकाम है। लेकिन चले कुछ यूथ हैं। आप लोग बताइए क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्यों क्यों? हर घर मोदी, हर घर मोदी। बदलाव चाह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बदलाव। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, हम फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो मोदी जी के लिए ही है? हाँ, मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए। चलो रुको, चलिए। तो यहाँ ज़्यादातर लोग ये हैं कि माहौल तो बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरी तरह से बदलाव का माहौल है, और लोगों में कन्हैया लाल का मुद्दा जो है राजस्थान में बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अब सादरी में जब हम थे राजस्थान में तो कुछ साथियों ने हमें रोकने की कोशिश की और बताया कि हम बात करना चाह रहे हैं। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह। विक्रम जी, क्या करते हैं आप पूरा? हम गैरेज का काम करते हैं। गैरेज का काम करते हैं। अपना गैरेज है? अपन का। तो क्या आप क्या लंबा लग रहा है आपको? अब की बार बीजेपी है। क्यों? क्योंकि अच्छा आदमी एमएलए हमारा पुष्पेंद्र सिंह। एमएलए के लिए या मोदी जी के लिए? नहीं, मोदी जी। मोदी जी के लिए। योगी, मोदी जी, बारकनाथ या? अच्छा अच्छा, तो आप योगी की तरह यहाँ भी चाहते हैं कि बारकनाथ हो? बारकनाथ। अच्छा अच्छा, बीजेपी सरकार बारकनाथ। बारकनाथ। बारकनाथ एकदम योगी जैसा चाहिए ही। देखो कांग्रेस ने बेरोजगार ज्यादा बढ़ गया, पेपर लीक हो रहे, पेपर लीक हो रही है। अच्छा अच्छा, पेपर लीक भी मुद्दा है? मुद्दा। कांग्रेस ने क्या किया? बलात्कार हो रहा है, लड़की को जिंदा जला के भट्टे में डाले। एक हमारा पुलिस थाना ये डोसा में हुआ, किच्चा 5 साल की बच्ची के साथ में क्या किया? इसलिए बीजेपी अच्छा है, मोदी है, मोदी। और योगी की भी डिमांड कर रहे हैं कि एकदम योगी जैसा राजस्थान, राजस्थान को भी योगी जैसा कोई मिले। हाँ, योगी जी जैसा बारकनाथ जी अच्छा लगे, मुख्यमंत्री वही चाहिए, वही चाहिए। और बाली तैसे से पुष्पेंद्र सिंह। हाँ, बाली तैसे से पुष्पेंद्र सिंह। अच्छा, बीजेपी।